अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने यहाँ पर बनाया ऑरेंज पील पाउडर। ये देखिए, हमने ऑरेंज पील लिए, उसका वाइट पार्ट हमने निकाल लिया है, जस्ट ऑरेंज पार्ट है। इसको हम ड्राई कर लेंगे और ये देखें, ड्राई होने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ये 2 डेज लगे हैं, ये अच्छे से ड्राई हो गया, बिल्कुल ड्राई है। अब इसको पाउडर कर लेंगे, किसी भी ब्लेंडर में डाल के इसको पाउडर कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा पाउडर बन गया है और ये इसी कलर का होगा, ठीक है। और इसको किसी भी स्टेनर में लेके, मोटे वाले स्टेनर्स में लेके आप इसको स्टेन कर लीजिए। इसमें जो लम्ब्स वगैरह हैं उनको हिला के सब स्टेन कर लें अच्छे से। ये देखिए, ये हमारा स्टेन हो गया। अभी ये थोड़ा मोटा मोटा है, हमने इसको बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है जो अपने मास्क वगैरह में हम यूज़ कर सकें। तो हम कोई भी चाय छानने वाली छन्नी होती है हमारे घर में, वो ले लीजिए, वो बहुत बारीक होती है। उसमें बिल्कुल आपको फाइन पाउडर मिलेगा इसका। ये देखें, ये हाथ की मदद से या आप अपने स्पून से इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसका बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल फाइन पाउडर निकलेगा। और ये देखें, हमारा पाउडर रेडी है। ये हमने ऑरेंज पील पाउडर, आपके बहुत काम आता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके स्किन को ग्लो देता है, शाइन देता है और नेचुरल ऑयल होते हैं इसके अंदर। ये देखिए, हमारा ऑरेंज पील पाउडर रेडी है। और ये इसके जो मोटे मोटा पार्ट्स निकले थे, ये भी मैंने रख लिए। इसको आप किसी भी क्रीम में ऐड करके या लोशन में ऐड करके आप स्क्रब बना सकते हैं, स्किन स्क्रब कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा ऑरेंज पील पाउडर, होममेड ऑरेंज पील पाउडर रेडी है। और ये थोड़ा सा मोटा वाला है तो मैंने इसको अलग करके रखा है, ठीक है। ये आप आराम से 6-7 मंथ स्टोर करके रख सकते हैं। आप बाहर से बाय करते हैं, उसका कलर भी ऐसा नहीं होता। और ये आप होममेड बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ये देखें, बिल्कुल फाइन पाउडर बना है ये। ये देखें, ओके। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।